नॉनस्टॉप न्यूज में। चौकीदार चोर है वाले बयान पर सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने माफी मांग ली है। कोर्ट ने राहुल गांधी को सोमवार से पहले नया हलफनामा दाखिल करने को कहा है। अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अगुवाई वाली बेंच ने कहा कि हलफनामे को स्वीकार करना है या नहीं ये कोर्ट तय करेगा। कोर्ट ने कहा कि राहुल गांधी के राजनीतिक रुख से उसे कोई लेना देना नहीं है, उन्हें सिर्फ कोर्ट का हवाला देकर दिए गए बयान पर माफी चाहिए। कोर्ट ने राहुल गांधी के दोनों हलफनामों पर फटकार लगाई। कोर्ट ने पूछा कि 22 पन्नों के हलफनामे में राहुल गांधी ने सिर्फ खेद जताया है और अपने बयान को सही साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। कोर्ट की टिप्पणी के बाद बीजेपी ने कहा कि राहुल गांधी अपनी विश्वसनीयता खो चुके हैं। ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर नोटिस जारी किया है। राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी की शिकायत पर गृह मंत्रालय ने राहुल की ब्रिटिश नागरिकता को लेकर 15 दिन में उनसे जवाब मांगा है। सुब्रमण्यम स्वामी ने शिकायत में कहा था कि बैकअप्स लिमिटेड नाम की कंपनी को 2003 में ब्रिटेन में रजिस्टर कराया गया था, जिसका पता 51 साउथ गेट स्ट्रीट विंचेस्टर हैम्पशायर था और राहुल गांधी इस कंपनी के निदेशक और सेक्रेटरी थे। कंपनी की सालाना रिटर्न में राहुल गांधी की नागरिकता ब्रिटिश बताई गई है। हालांकि गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि सामान्य प्रक्रिया के तहत नोटिस भेजा गया है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने यह कंप्लेंट कई बार दी थी, तो वही उसमें प्रोसेस हुई होगी। बीजेपी ने कहा है कि राहुल गांधी को अपनी नागरिकता को लेकर देश को जवाब देना चाहिए। राहुल कौन सा सच्चा है? विच राहुल इज ओरिजिनल? राहुल लंदन वाले या राहुल लुटियंस? इन सभी सवालों का आधार कुछ दस्तावेज हैं। ये वो दस्तावेज हैं और वो दस्तावेज ऑथेंटिकेटेड हैं। कांग्रेस ने नोटिस को राजनीति से प्रेरित बताया। महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि राहुल हिंदुस्तान में पैदा हुए हैं, ये सबको पता है। राहुल गांधी हिंदुस्तानी है, पूरे हिंदुस्तान को मालूम है। उनके सामने पैदा हुआ, उनके सामने उसकी परवरिश हुई, उनके सामने वो बड़ा हुआ, सबको मालूम है। क्या बकवास है ये। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जो लोग जेल के दरवाजे पर हैं और जो बेल पर हैं, वो लोग केंद्र में मजबूत सरकार बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। बिहार के मुजफ्फरपुर की रैली में पीएम मोदी ने आरजेडी और कांग्रेस गठबंधन पर निशाना साधा। कहा कि लोकसभा में जिनको विपक्ष के नेता बनने के लायक सीटें भी नहीं मिलेंगी, वो प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं। जो बेल के लिए कोर्ट कचहरी के चक्कर काट रहे हैं, वो सब केंद्र में एक मजबूत सरकार को एक मिनट भी बर्दाश्त नहीं करना चाहते। पीएम मोदी ने आज उत्तर प्रदेश के बहराइच और बाराबंकी में भी रैली की। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी बीएसपी और आरएलडी गठबंधन की एक्सपायरी डेट 23 मई को पक्की है। रिजल्ट आते ही एक दूसरे के कपड़े फाड़ने लगेंगे। इनकी एक्सपायरी डेट 23 तारीख शाम को पक्की है। 23 को नतीजा आएगा, एक दूसरे के कपड़े फाड़ देंगे। बाराबंकी में पीएम मोदी ने कहा कि चार चरणों में ही विपक्ष के नेताओं के सपने चूर चूर हो गए हैं। ये जितनी सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, उतने में तो विपक्ष का नेता भी नहीं बन सकते। प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी कल पहली बार अयोध्या जाएंगे। अयोध्या से 24 किलोमीटर गोसाईगंज के मया बाजार में पीएम मोदी की चुनावी रैली है। पीएम मोदी की रैली में साधु संतों के भी बड़ी संख्या में मौजूद रहने की उम्मीद है। मोदी जी के अंदर प्रबल भाव है कि मैं तब तक दर्शन करने नहीं जाऊंगा जब तक राम जी के मंदिर को ले नहीं लूंगा। बराबर वो बेचारे प्रयासरत हैं और अब की आने पर पहला कार्य होगा मोदी जी का राम जी का मंदिर। हालांकि पीएम मोदी का रामलला के दर्शन का कोई कार्यक्रम नहीं है। फैजाबाद लोकसभा सीट के लिए 6 मई को वोट डाले जाने हैं। पीएम मोदी की रैली के थोड़ी ही देर बाद फैजाबाद लोकसभा क्षेत्र में ही समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव और बीएसपी अध्यक्ष मायावती साझा रैली करेंगे। अखिलेश और मायावती की रैली दोपहर 1 बजे रामसनेही घाट में होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन के आरोप पर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से जवाब मांगा है।
कांग्रेस सांसद सुष्मिता देव ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अपनी याचिका में आरोप लगाया है कि पीएम मोदी और अमित शाह ने अपने भाषणों में आचार संहिता का उल्लंघन किया है, लेकिन चुनाव आयोग अभी तक कार्रवाई के लिए तैयार नहीं है। चुनाव आयोग ने कोर्ट में कहा कि पहले से ही इस मामले को लेकर फुल कमीशन की बैठक तय कर दी गई थी। इस पर अदालत ने कहा कि जो कार्रवाई करनी है करें। इस मामले की अगली सुनवाई 2 मई को होगी। चुनाव आयोग ने समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान के चुनाव प्रचार पर एक बार फिर रोक लगा दी है। 48 घंटे की ये पाबंदी कल सुबह 6 बजे से लागू होगी। आजम खान पर ये रोक चुनाव अधिकारियों को धमकाने और चुनाव प्रचार में सांप्रदायिक टिप्पणी करने पर लगाई गई है। पाबंदी के मुताबिक आजम खान 1 मई सुबह 6 बजे से अगले 48 घंटे तक चुनाव प्रचार नहीं कर सकेंगे। आजम खान के किसी जनसभा, रैली या रोड शो में हिस्सा लेने पर भी रोक रहेगी। इस दौरान आजम खान मीडिया में बयान भी नहीं दे सकते हैं। आजम खान ने 5 अप्रैल से लेकर 12 अप्रैल के बीच यूपी में अलग अलग जगहों पर विवादित बयान दिए थे, जिन्हें आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन माना गया है। इससे पहले भी जयप्रदा के खिलाफ अभद्र टिप्पणी को लेकर चुनाव आयोग ने 16 अप्रैल को आजम खान पर 72 घंटे के लिए पाबंदी लगाई थी। कांग्रेस नेता उदित राज ने बीजेपी के बहाने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के खिलाफ विवादित बयान दिया है। जयपुर में उदित राज ने कहा कि उनकी सिफारिश पर ही रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति बने। 2014 में नॉर्थ वेस्ट दिल्ली से बीजेपी के टिकट पर चुनाव जीतने वाले उदित राज टिकट कटने से नाराजगी के बाद कुछ दिन पहले ही कांग्रेस में शामिल हुए हैं। श्री रामनाथ कोविंद 20 मई 2014 को बायोडाटा लेकर के मेरे यहाँ आए कि मैं उनकी सिफारिश पार्टी में कर दूं, कुछ उनको पद प्रतिष्ठा मिल जाए। उदित राज ने यह भी कहा कि बीजेपी को दलित नेता नहीं बल्कि सिर्फ दलित वोट चाहिए। बीजेपी को दलित चाहिए, दलित नेता नहीं चाहिए। तो भारतीय जनता पार्टी में गूंगा और बहरा दलित हो तो किसी भी पोजीशन पर पहुंच सकता है। वाराणसी से पीएम मोदी के खिलाफ समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार तेज बहादुर यादव को जिला निर्वाचन अधिकारी ने नोटिस जारी किया है। बीएसएफ से बर्खास्त तेज बहादुर यादव पर नामांकन पत्रों में अलग अलग जानकारियां देने का आरोप है। तेज बहादुर यादव को कल सुबह 11 बजे तक जवाब देना है। तेज बहादुर ने निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर नामांकन में नौकरी से बर्खास्त किए जाने की वजह कुछ और बताई है, जबकि समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर वजह कुछ और बताई गई है। जवाब संतोषजनक नहीं होने पर तेज बहादुर का नामांकन रद्द हो सकता है। जानबूझ के हमें चुनाव से रोकने के लिए किया जा रहा है, सिर्फ से साजिश रची जा रही है, बाकी कोई है नहीं बिल्कुल भी। जैश ए मोहम्मद के सरगना और भारत के मोस्ट वांटेड आतंकी मसूद अजहर पर चीन ने अपने रुख में बदलाव किया है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में मसूद पर प्रतिबंध को लेकर चीन ने कहा कि जल्द ही मामले को सही तरीके से सुलझा लिया जाएगा। हालांकि चीन ने कोई समय सीमा नहीं दी है, लेकिन चीन का यह बयान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात के बाद आया है। पुलवामा हमले के मास्टरमाइंड मसूद अजहर को वैश्विक आतंकी घोषित करने के फ्रांस के प्रस्ताव पर चीन ने इसी साल 13 मार्च को वीटो कर दिया था। विवादित कथावाचक आसाराम के बेटे नारायण साईं को सूरत की सेशंस कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। रेप के एक मामले में कोर्ट ने नारायण साईं पर 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। नारायण साईं के अलावा कोर्ट ने उसके 3 सहयोगियों गंगा, यमुना और हनुमान को भी 10-10 साल की सजा और 5,000 का जुर्माना लगाया है। इंसिडेंट हुआ था, इसमें जो ये धर्मगुरु है और इनके जो नारायण साईं की पत्नी की डिपोजिशन है वो सभी कंसीडर करके वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा सुनवाई है आज। सूरत की एक महिला ने नारायण साईं के खिलाफ 2013 में रेप का केस दर्ज कराया था। महिला का आरोप था कि आसाराम की शिष्य रहने के दौरान नारायण साईं ने उसके साथ कई मौकों पर अलग अलग जगहों पर रेप किया था। भारतीय सेना ने हिमालय पर हिममानव की मौजूदगी का दावा किया है। सबूत के तौर पर सेना ने कुछ तस्वीरें शेयर की हैं। तस्वीरों में बर्फ पर पैरों के बड़े बड़े निशान दिखाई दे रहे हैं। माना जा रहा है कि ये निशान हिममानव येती के पैरों के ही हैं। सेना ने अब इन तस्वीरों को जांच के लिए एक्सपर्ट्स को सौंपने का फैसला किया है।
सेना ने ट्वीट में कहा है कि पहली बार भारतीय सेना की पर्वतारोही टीम ने 9 अप्रैल 2019 को मकालू बेस कैंप के करीब 32 इंच लंबे और 15 इंच चौड़े रहस्यमय पैरों के निशान देखे हैं। मकालू बेस कैंप नेपाल में है। येटी को देखे जाने के दावे कई बार हुए हैं, लेकिन वैज्ञानिक आज तक किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाए हैं।